अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाजिम और मेरे चैनल पर मिलती हैं आप लोगों को बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर देती हूं आप लोगों को बहुत सारी प्रोडक्ट के रिव्यूज। तो आज की क्लास आप लोगों की वो फेवरेट क्लास है जिसके लिए मैंने आपकी क्लासेस बनाई कलर थ्योरी की। आपको पहले कलर थ्योरी समझाई, उसका नॉलेज दिया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने आई शेडो को कैसे सेलेक्ट करना होता है। अंडरटोन सारी आप लोग समझ चुके हुए हैं, तो आज सिर्फ आई शेडो के रूल्स होंगे और पैलेट पे भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। इसके अलावा मैंने कुछ प्रिंट निकलवाए हुए हैं, वो भी दिखाऊंगी। उससे पहले हम आई शेडो के रूल्स पढ़ेंगे, तो ये सब आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। डायरेक्ट मैं आप लोगों को आई शेड पैलेट पे भी लेके जाऊंगी और मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि आपने एक ही फैमिली में रहते हुए कैसे कलर चूज करने हैं, ड्रेस के अकॉर्डिंग कैसे करने हैं और जी आपने कंट्रास्ट कैसे करने हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलें जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी रूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आई शेडो को यूज करने के लिए जो रूल्स हैं वो मेन थ्री रूल्स हैं, जिसमें एड वन न्यूट्रल विद ब्राइट शेड। एक न्यूट्रल शेड आपने यूज करना होता है किसी भी ब्राइट शेड के साथ, ठीक है ना। एक तो आपने सिंगल आई शेड लगाना होता है ना, सिंगल आई शेड की बात ही नहीं हो रही। सिंगल आई शेड तो आप लगाते हैं, उसको नॉर्मल सा ब्लेंड करते हैं और खत्म। लेकिन सिंगल आई शेड से हमारी दाल ही नहीं गलती, ऐसा ही है ना। हमें होता है कि हम थोड़ा सा कॉर्नर दें या हम कोई क्रीज क्रिएट करें। तो सब हमेशा आपने ये रूल याद रखना है कि जब भी आपने एक ब्राइट शेड लेना है, लाइक आपने रेड लेना है, ऑरेंज लेना है या ब्लू लेना है, ग्रीन लेना है, तो उसके साथ एक न्यूट्रल शेड आपने जरूर ऐड करना है। अब न्यूट्रल शेड क्या होते हैं वो मैंने अभी पिक्चर लगाई हुई है, आप लोगों को नजर आ रहा है, यानी ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ये सारे न्यूट्रल शेड्स हैं। आप अगर एक ब्राइट शेड लगा रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक दे दें, या फिर आप स्टार्ट में व्हाइट दे दें और एंड पे आप वो ब्राइट शेड ले जाएं, या फिर सॉकेट पे आप ब्राउन दे दें, यानी आपने नीचे ऑरेंज लगाया हुआ है, ऊपर आप सॉकेट पे क्रीज बना दें ब्राउन की। तो इस तरह से जो है ना वो आपका आई शेडो जो है वो बहुत सटल लगता है। तो आई शेडो को हमेशा शार्पनेस से बचाने के लिए न्यूट्रल शेड ऐड किए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा रूल है, को समझना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट वाला रूल ही अगर आप समझ जाएंगे ना, आपकी थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाएगी कि हमेशा जब भी ब्राइट शेड उठाना है तो उसमें न्यूट्रल ऐड करना है। ठीक हो गया, न्यूट्रल शेड्स भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए और ब्राइट शेड आप लोगों को, अगर कलर व्हील की बात की जाए, कलर व्हील में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जी ब्राइट शेड कौन से होते हैं। तो ब्राइट शेड्स लाइक रेड, ठीक है ना, येलो, इसी तरह ग्रीन अगर आप यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आई कैचिंग कलर आप लेते हैं तो फिर आप लोगों को ये शेड यूज करने पड़ते हैं न्यूट्रल। अब आ जाते हैं जी सेकंड रूल पे, डू नॉट ऐड टू मच ग्लिटर एंड डू नॉट यूज ओनली मैट शेड्स, ठीक है ना। ना तो बहुत ज्यादा ग्लिटर आपने यूज करना है और ना ही बिल्कुल मैट रहने देना है, ठीक है। ये रूल्स सबसे पहले जब आप समझेंगे ना, फिर आप पॉलीक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक और ये सब कुछ जो है ना, ये सब बाद की चीजें हैं, सबसे पहले रूल्स आपने समझने हैं। तो अब ये इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम बहुत ज्यादा ग्लिटर्स ऐड कर लेते हैं, ग्लिटर ग्लिटर यानी शेड्स भी आप ग्लिटर लगा रहे हैं, ग्लिटरी लगा रहे हैं और उसके ऊपर ग्लिटर्स भी लगा रहे हैं, तो आपकी आई एक ना ऑल सा लगती है। तो हमने ऐसा इफेक्ट नहीं देना होता, आई पे बहुत सटल सी, बहुत अच्छी और ब्लेंडेड सी लुक होनी चाहिए, जिसके लिए आपको सिर्फ आई बॉल पे, आई कॉर्नर पे या इनर साइड पे एक जगह पे आपको ग्लिटर ऐड करना होता है, ठीक है। तो आपकी जो पहले तो हमने ये इसको फॉलो कर लिया, उसके बाद जब हमने ग्लिटर लगाना है तो ब्राइट शेड पे अगर आपने ग्लिटर लगाना है तो सिर्फ ब्राइट साइड पे ही लगाना है, ठीक है। फिर उसको आपने न्यूट्रल साइड पे नहीं लेके आना। और फिर डू नॉट यूज ओनली मैट, अगर आप सिर्फ मैट भी करते हैं ना तो आपकी लुक जो है वो बिल्कुल फ्लैट लगती है। तो फिर मैट में भी हल्का सा आपने शिमर ऐड करना होता है, यानी ना बहुत ज्यादा ग्लिटर ऐड करना है ना ही बहुत ज्यादा मैट रहना है। यहाँ पे भी आप हल्का सा जो शिमरी सा शेड होता है, शिमरी या वेल्वेटी कह लें, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। अब मैं ग्लिटरी शेड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन शिमरी शेड्स या वेल्वेटी शेड्स की बात कर रही हूँ, यानी आपने हल्का सा मैट, बिल्कुल मैट यानी ऐसे नहीं रहना, ये वाले शेड्स में नहीं रहना। जब आपने रेड लगाना है तो उसके ऊपर हल्का सा रेड आप शिमरी भी दे दें, ठीक है ना, तो वो एक बहुत खूबसूरत सा बन जाता है शेड ना, शामिल हो जाते हैं कलर के, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं जी थर्ड रूल की,
अब आपने यूज करना होता है, अगर आपने दो तीन कलर यूज करने हैं तो आपने वन लाइट वन मीडियम एंड वन डार्क के साथ चलना है, ठीक है ना। एक शेड आपका बहुत ज्यादा लाइट होना चाहिए, एक शेड आपका जो है वो मीडियम टोन का होना चाहिए, एक डार्क होना चाहिए। अब ये चीज क्या है कि अगर आपने दो शेड लिड पे लगा रहे हैं और तीसरा शेड जो है वो आपका सॉकेट पे आ रहा है, ठीक है ना। सॉकेट लाइन जो मैंने आप लोगों को बताया क्रीज लाइन होती है आपकी आई पे, तो अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो वो मेरी आई पार्ट की वीडियो देख लें आप, तो आपको समझ आ जाएगी। तो दो शेड जैसे मीडियम और डार्क हमने लगा लिया आई लिड पे, तो जो लाइट वाला है वो ऊपर ले जाएंगे, या लाइट और डार्क आपने लगा लिया लिड पे, तो जो थर्ड वन है वो आप क्रीज पे लगा के तीनों को आपस में ब्लेंड करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो सारे शेड जो है ना मीडियम होने चाहिए, ना लाइट होने चाहिए, ना डार्क होने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रूल है आई शेडो में कि तीन शेड जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, लाइट मीडियम डार्क, ठीक है। ये तो थे रूल्स जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं जी काइंड्स ऑफ आई मेकअप, ठीक है ना, कि कौन से तरीकों से, दो तरीकों से आप आई शेड को चूज कर सकते हैं, बल्कि दो नहीं तीन तरीके हैं, ठीक है ना, जिसमें मैं आप लोगों को अभी गाइड करती हूँ तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो अब बात की जाए कि आई शेड्स जो हैं वो आप किन तरीकों से लगा सकते हैं, तो उसमें तीन तरीके हैं, जिसमें एक है जी सिंगल आई शेडो, एक है जी मोनोक्रोमेटिक, एक है जी पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगी इस बात को, बहुत ज्यादा ड्रैग करने वाली है भी नहीं ये बात। यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि सिंगल आई शेडो हम अक्सर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक पे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे जी सिंगल आई शेड की। हम कोई भी कलर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो इसमें अगर कोई भी एक सिंगल शेड आपका दिल कर रहा है जी यूज करने को, आपने रेड कलर अगर पहना हुआ है, रेड कलर का आपने ड्रेस पहना हुआ है, तो आप ग्रीन लगा सकते हैं, ठीक है, वो सिंगल आई शेड होगा। अगर आपने रेड ड्रेस पहना हुआ है तो आप गोल्डन कर सकते हैं, वो भी सिंगल आई शेड होगा। इसके अलावा अगर आपने पर्पल ड्रेस पहना हुआ है तो आप करना चाह रहे हैं जी ऑरेंज में करना चाह रहे हैं या ग्रीन में करना चाह रहे हैं, तो वो सिंगल आई शेड होगा। कई लोग जो है वो बहुत ज्यादा कलर्स पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए सिंगल आई शेड्स भी होते हैं, और सिंगल आई शेड्स को कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता। सिंगल आई शेड को आप एक जैसे ग्रीन हम यूज कर रहे हैं, ग्रीन आपने पूरे लिड पे लगाया, तो उसको हम न्यूट्रल आई शेड के साथ ब्लेंड करेंगे, ठीक है ना, वो तब भी सिंगल आई शेड रहेगा। हमने ब्लेंडिंग के लिए लाइक ग्रीन को ब्लेंड करने के लिए हमने लेना है जी ब्राउन, ठीक है, ब्राउन इसको बहुत अच्छा जो है वो ब्लेंड करेगा। क्रीज पे आप जाके ब्लेंडिंग कर देंगे और बहुत ही खूबसूरत लगता है। सिंगल आई शेडो जो है ना बहुत अच्छी एक मेकअप लुक होती है, बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं होती, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी आई को रिफाइन कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो इसपे शिमर्स और ग्लिटर्स भी ऐड कर सकते हैं। शिमर्स और ग्लिटर पे बहुत क्लासिकल क्लास जो है नेक्स्ट अब मैं आपको दूंगी, कल दूंगी या परसों आएगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी टाइप्स के ग्लिटर होते हैं, कौन कौन से ग्लिटर्स जो हैं वो बेस्ट हैं, कैसे आपने उनको यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज जो है अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलेगी, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए क्लास। तो सिंगल आई शेड की बात हो गई, अब बात करते हैं जी मोनोक्रोमेटिक की। अब मोनोक्रोमेटिक लुक्स जो है ना, इसको डिफाइन सबसे पहले ये किया जाता है कि एक ही फैमिली का या एक कलर पैलेट आप जब यूज कर रहे हैं, उसी कलर पैलेट में यानी सेम कलर के एक ही फैमिली के कलर जो है वो आपकी भी होंगे, वो आपकी आपका जो ब्लश ऑन है वो भी उसी उन्हीं शेड्स में से होगा, और आपकी लिपस्टिक भी उन्हीं शेड की होगी, ठीक है ना। तो एक ही कलर को आप चूज करते हुए आई शेड भी लगा रहे होते हैं, ब्लश ऑन भी लगाते हैं और लिपस्टिक भी लगाते हैं, तो वो होती है जी मोनोक्रोमेटिक मेकअप लुक, ठीक है। उसकी पिक्चर्स मैंने चला दी, नहीं आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आई शेडो में, सिर्फ आई शेडो में बात की जाए, मोनोक्रोमेटिक बेसिकली जो है मोनोक्रोमेटिक मेकअप जो है वो बहुत ज्यादा इन हुआ था। मोनोक्रोमेटिक मेकअप लुक जो है बेसिकली एक कंप्लीट लुक है, जिसमें आप अगर ऑरेंज आई शेड लगा रहे हैं तो ऑरेंज ही लाइक ऑरेंज अगर आई शेड लगा रहे हैं तो आप लाइट ऑरेंज जो है वो ब्लश ऑन लगा लेंगे, लाइटर ऑरेंज आप जो है वो लिपस्टिक लगा लेंगे, तो इस तरह से आप मोनोक्रोमेटिक लुक करते हैं, ठीक हो गया। अब बात की जाए कि हम आई शेडो में कैसे इस चीज को रिफाइन करेंगे, तो आई शेडो में आप लाइटर से डार्कर की तरफ चलते हो, ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक लुक में। एक ही फैमिली के शेड्स लाइक अगर आप येलो चूज कर रहे हो या ग्रीन चूज कर रहे हैं या ब्लू चूज कर रहे हैं, पर्पल कर रहे हैं, तो पर्पल में अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले लाइटर पर्पल, फिर डार्कर, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। तो इस तरीके से जब आप लगाते हैं तो यानी आप आई के इनर साइड पे लाइटर से स्टार्ट करते हो। हमेशा एक रूल ये भी रखें कि इनर साइड पे हमेशा लाइटर शेड लगता है, ठीक है। किसी भी शेड का अगर आप पिंक में आ रहे हैं तो आपने लाइटर पिंक जो है वो इनर साइड पे यानी
टीयर डक्ट से स्टार्ट करना है, उसके बाद डार्क, उसके बाद उससे डार्क, उसके बाद उससे डार्क, ठीक है ना। और जो डार्कर वन होता है उससे आप कॉर्नर अच्छा सा क्रिएट करके और फिर छोड़ सकते हैं। तो ये होती है जी मोनोक्रोमेटिक आई शेड लुक। और मोनोक्रोमेटिक मेकअप लुक भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक ही फैमिली में रहते हुए आप जब लिपस्टिक, ब्लश ऑन और आई शेड एक ही कलर का लगा रहे होते हैं तो वो होती है जी मोनोक्रोमेटिक मेकअप लुक। आपने आई शेड्स लगाने हैं लाइटर से डार्कर की तरफ, पिक्चर्स आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियर कर रही होंगी अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इस तरीके से भी चल सकते हैं इस फैमिली के साथ भी। अगर आपने ये येलो लगाया इनर कॉर्नर पे, फिर आप ये वाला ऑरेंज लगाएं, उससे डार्क ऑरेंज लगाएं और उससे डार्क ऑरेंज, तो इस तरीके से भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह यहां से अगर आप इस लाइटर वाले को लेते हैं तो इस डार्कर तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस फैमिली को भी चूज कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक रूल को अपने जहन में रख लें कि आपने लाइटर से डार्कर की तरफ जाना है, ठीक है। यही शेड्स आप इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके भी आगे लेके जा सकते हैं और आप नीचे से लिड से स्टार्ट करके ऊपर तक भी डार्कर लेके जा सकते हैं। और ये सारी जो लुक्स है ना मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मोनोक्रोमेटिक की बात हो गई, अब हम बात करेंगे जी पॉलीक्रोमेटिक की। पॉलीक्रोमेटिक शेड्स जो है वो कंट्रास्ट शेड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये पिक्चर एक्चुअली वैसे निकली नहीं, बस प्रिंट कुछ ऐसा आया है कि ये मिक्सचर सा लग रहा है यहां से, लेकिन यहां से अगर आप कलर्स देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि पॉलीक्रोमेटिक शेड्स जो होते हैं वो कंट्रास्ट शेड्स होते हैं, लाइट और डार्क भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर कलर व्हील की बात की जाए तो पॉलीक्रोमेटिक शेड्स जो हैं कंट्रास्ट शेड्स जो हैं वो यूज होते हैं। इस तरीके से अगर ये रेड है तो इसके अपोजिट वाला जो शेड है ये पॉलीक्रोमेटिक बन जाएगा, ठीक है ना। कंट्रास्ट शेड्स आपने लेने हैं। अब देखें रेड जो है वो कट करता है इसको। और अगर अब ड्रेसेस की बात की जाए तो ड्रेसेस के अकॉर्डिंग जब आपने कंट्रास्ट शेड्स लेने हैं तो पॉलीक्रोमेटिक में आपको कंट्रास्ट शेड्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे, क्योंकि जी अगर आप कलर व्हील को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो आप लोगों को समझ होगी कि अगर मैंने रेड ड्रेस पहना है तो मैं ग्रीन आई शेडो लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा। येलो ड्रेस के साथ जी पर्पल आई शेड बहुत अच्छा लगेगा, इसी तरह पर्पल के साथ येलो या गोल्डन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ब्लू के साथ ऑरेंज बहुत सूट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ब्लू ड्रेस पहना है, अब ये जरूरी नहीं है कि ब्लू के साथ आपने अपोजिट कलर ही लगाना है, ब्लू के साथ आप ब्लू आई शेड लगा सकते हैं और ब्लू आई शेड के साथ आप लिपस्टिक जो है वो पर्पल कर सकते हैं, तो ये कंट्रास्ट आप लोगों को करने आ जाएंगे। अगर आपने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है और आपने ग्रीन ही आई शेड लगा लिया है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको फिर आपने कैसे सेट करना है, आपने न्यूट्रल करने के लिए अपनी टोन को रेड लिपस्टिक लगानी है तो बहुत अच्छा बैलेंस होगा, ठीक है। तो ड्रेस के अकॉर्डिंग इस तरीके से अभी मैं आपको आई पैलेट पे भी समझाती हूँ, लेकिन पॉलीक्रोमेटिक में हम कंट्रास्ट शेड ऐड करते हैं। हम इन दो शेड्स को मिला के भी लगा सकते हैं, हम रेड और ग्रीन को मिला के भी लगा सकते हैं, तो ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगेगा। कलर व्हील जो है वो कंट्रास्ट को समझने के लिए बहुत गुड है, ठीक है ना। अगर आपने ये वाला ऑरेंज लगाया आपको पता है कि इसके साथ ये वाला ब्लू चलेगा, अगर आपने ये ऑरेंज लगाया आपको पता है कि ये ब्लू चलेगा, तो इस तरीके से आप पॉलीक्रोमेटिक शेड्स जो है वो चूज कर सकते हैं। पॉलीक्रोमेटिक की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जिसमें आप हल्के, तेज और दरमियाने कलर्स जो हैं आपस में मिलाते हैं, कंट्रास्ट कलर, ठीक है ना। हल्का और तेज कलर मिला के जब आप एक कंट्रास्ट बना के लगाते हैं तो वो जी पॉलीक्रोमेटिक है। पॉलीक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक और सिंगल आई शेडो की उम्मीद करती हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मोनोक्रोमेटिक एक ही फैमिली में लाइटर से डार्कर की तरफ चलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक जो है वो कंट्रास्ट शेड चूज करते हैं, वो चाहे आप कलर व्हील से चूज कर लें, चाहे आप अपना कोई कंट्रास्ट बना लें, चाहे आप ड्रेस के अकॉर्डिंग चल लें। अब अगर आप बहुत ज्यादा सांवले रंगत के मालिक हैं तो फिर उस पर आप डार्क शेड यूज करेंगे, लाइट शेड लगाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो डार्कर शेड चूज किए जाते हैं। जो फेयर कलर्स होते हैं उस पर अगर आप लाइट भी कलर लेते हैं और मीडियम कलर भी लेते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इस तरीके से भी आप चूज करते हैं। अब ड्रेस है अगर आपका व्हाइट और आपको पता है कि आप कूल अंडरटोन के हैं तो आप पिंक लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ड्रेस है आपका व्हाइट और आप हैं जी वार्म अंडरटोन के तो फिर आप रेड ऑरेंज यूज करेंगे, ऑरेंज यूज करेंगे, येलो यूज करेंगे तो आप लोगों को बहुत सूट करेगा। इसी तरह सिल्वर जो है वो कूल टोन पे अच्छा लगेगा और गोल्डन जो है वो वार्म टोन पे अच्छा लगेगा। तो ये इन तीन चीजों की बात हो गई। अब मैं आपको डायरेक्ट पैलेट पे लेके चलती हूँ और वहां पे आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पास पैलेट है जी ग्लैमरस आई शेड किट, ठीक है, और ये है जी मेरे पास जैकलिन हिल।
ये वो पैलेट्स हैं जिसमें आप पॉलीक्रोमेटिक शेड्स लुक जो है वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा जी मोनोक्रोमेटिक भी आप कर सकते हैं और इसके अलावा सिंगल शेड भी चूज कर सकते हैं। वो कैसे, अब देखें एक ही फैमिली के ये कलर हैं, ठीक है। क्लोज अगर करें करके मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें कि ये लाइटर है, ये उससे डार्क है, ये उससे डार्क है और फिर ये उससे डार्क है। तो आप ये जो मोनोक्रोमेटिक लुक है बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये ग्रीन की तरफ आ जाएं तो ये ग्रीन देखें, ये वाला जी, ये लाइटर है, फिर उससे डार्क है, फिर उससे डार्क है और फिर उससे डार्क है। तो ये बहुत मजे की मोनोक्रोमेटिक लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब मोनोक्रोमेटिक लुक जो है वो आप कर सकते हैं जी ग्रीन्स में, पर्पल में और ब्राउन्स में, ठीक है। ये ब्राउन्स की है, यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो ये देखें, ये लाइटर है, ये उससे लाइट है, डार्क है सॉरी, फिर ये उससे डार्क है और ये फिर सबसे डार्क है। येलो में भी आप देखें कि आपको ऐसे मिल जाएगा कि लाइटर डार्क और मिल जाएंगे आपको लाइटर और डार्कर। अच्छा जी, अब आ जाएं जी पॉलीक्रोमेटिक की तरफ। तो पॉलीक्रोमेटिक में आपने अगर ग्रीन चूज करना है तो उसके साथ रेड लगाना है तो भी आपको कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ठीक है। अब रेड कलर की जो आप ब्राइड रेडी करते हैं, आप उसमें ऐसा करते हैं कि आप उसको गोल्ड में दे रहे होते हैं, ठीक है, गोल्डन शेड लगा रहे होते हैं, लेकिन आप उसको न्यूट्रल करते हैं जी, ब्लैक आई शेडो देते हैं या ब्राउन आई शेडो आप कॉर्नर पे देते हैं और सॉकेट पे देते हैं, यानी न्यूट्रल शेड एक लाजमी आप ऐड करते हैं। लेकिन फिर आप कोशिश करते हैं कि आई के नीचे अगर ग्रीन दें, ठीक है, या आई के अंदर ग्रीन दें या थर्ड शेड ऐड करें, यानी पॉलीक्रोमेटिक लुक आप इसको समझ लें, तो थर्ड शेड आप ग्रीन ऐड करें तो बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है ना। इसी तरह जब आपकी सेकंड डे की ब्राइड होती है तो उस पर आप पिंक्स यूज कर रहे होते हैं, ग्रे होते हैं मोस्टली, पीच होते हैं सेकंड डे के ड्रेसेस, ग्रेश में पीची पिंक होते हैं, पर्पल होते हैं, तो उसमें भी आप अगर मोनोक्रोमेटिक करना चाहें वो भी कर सकते हैं और सिंगल शेडो जो है वो भी आप कर सकते हैं। उस दिन जो है ना बहुत ज्यादा फंकी शेड्स अच्छे नहीं लगते सेकंड डे पे, फर्स्ट डे पे आप ज्यादा फंकी शेड्स कर सकते हैं। इसी तरह लाइटर अगर आपने ड्रेस पहना है तो लाइट आपका ड्रेस है तो आप डार्क कलर की जो है वो सिलेक्शन करेंगे, डार्क आई शेड की। अगर आपने लाइट पिंक पहना हुआ है तो आप डार्क पर्पल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लाइट येलो पहना हुआ है तो आप ब्राउन्स में भी जा सकते हैं, आप डार्क पिंक में भी जा सकते हैं। अगर आपने येलो पहना हुआ है तो आप येलो ही आई मेकअप नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। हमने थोड़ा सा कंट्रास्ट लेके चलना होता है। फिर एक और सिलेक्शन का तरीका होता है कि अगर आपकी ब्राइड का जो लहंगा है या ड्रेस है उसमें जो काम हुआ है वो थोड़ा है, ठीक है, जो कलर थोड़ा है उसको उठा के आप आइस पे ले जाएं। लाइक अगर लहंगे पे गोल्डन काम है तो आप गोल्डन को उठाते हैं, अगर लहंगे पे सपोज गोल्डन के साथ उसमें ग्रीन भी है उसमें ब्लू भी है तो आप ब्लू को उठाएंगे, ठीक है। आप ब्लू स्मोकी करेंगे और आईज के नीचे हल्का सा रेड देंगे तो बहुत अच्छी सटल सी लुक बनेगी। उसी तरह अगर इस आई शेडो पैलेट पे आ जाए तो ये आई शेडो पैलेट जो जैकलिन हिल की है ये भी बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है, इसमें ब्राउन्स बहुत अच्छे हैं, तो ये ब्राउन की फैमिली है। इधर अगर आप आए आप पॉलीक्रोमेटिक जो है लुक क्रिएट करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं कि यहां पे लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और फिर ब्लू की तरफ आप आ जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कलर व्हील में भी दिखाया है कि इस तरीके से अगर आप चलें तो आप ये जो है क्रिएट कर सकते हैं लुक। तो यही शेड्स मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर आप इधर मैरून में आए तो मैरून की फैमिली में से भी आपको यहाँ पे शेड्स मिल जाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक पैलेट है, एक अच्छी ऑप्शन है। इसकी फेक वाली भी आपको दिखा चुकी हूँ, रियल वाली भी आपको दिखा चुकी हूँ। ग्लैमरस जो है ये भी बहुत सस्ती और अच्छी किट है, ठीक है। तो अगर कई लोगों को ऐसा होता है कि अगर उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है जी पिंक तो वो पिंक ही लगाना चाहते हैं, ठीक है, पिंक शेड को ही चूज करना चाहते हैं, तो ऐसा भी होता है, कई दफा आपको सेम भी अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन अगर आप क्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक लुक को चूज करेंगे तो भी अच्छा लगता है, सिंगल आई शेड को चूज करेंगे तो भी अच्छा लगता है। सिंगल आई शेड में आप कंट्रास्ट कलर यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपने पिंक ड्रेस पहना हुआ है तो आप ये ब्लू में जा सकते हैं, ठीक है ना। ब्लू अगर डार्क लगाना चाहें डार्क लगा लें, लाइट लगाना चाहें लाइट लगा लें, और इन दो शेड्स को मिक्स करके भी ऊपर नीचे आप यूज कर सकते हैं। तो ये जी सिलेक्शन के कुछ तरीके हैं। अंडरटोन के हिसाब से आपने कलर चूज करने हो तो आप अंडरटोन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर आप वार्म अंडरटोन है तो आपको ये वाला ऑरेंज रेड यूज अच्छा लगेगा, ठीक है, और अगर आप कूल अंडरटोन है तो आपको ये वाला रेड अच्छा लगेगा। ये नजर आ रहा है कैमरे में,
ठीक है, तो कूल अंडरटोन वालों को, तो ये जो है ना ये सिलेक्शन मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूं, तो बस इसको आपने फॉलो करना है। कल की क्लास जो है वो आपने मिस नहीं करनी, जो कि ग्लिटर्स पे है, तो उम्मीद करती हूं कि यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा एक मैं और बता दूं कि अगर आपने लगाया हुआ है जी, आपने पहना हुआ है जी पिंक ड्रेस, ठीक है, या फिर आपने लाइट पर्पल ड्रेस पहना हुआ है, बहुत लाइटर पर्पल, तो आप इस तरीके से भी चल सकते हैं कि ये तीन शेड्स आप लगा लें और मोनोक्रोमेटिक लुक कर लें, और एंड पे डार्कर वाले में हल्का सा ब्लैक ऐड कर दें और खूबसूरती आ जाती है। तो बस इस तरीके से हमने शेड्स को फॉलो करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखें, और नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचाएं। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, और फेसबुक पे भी फॉलो करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।